सलमान खान के आने से फिल्म को खतरा हो सकता है और कैसे सलमान खान फिल्म के ब्रांड वैल्यू को नीचे गिरा सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार की फिल्मों की अपडेट्स लेके आए तब आप सबसे पहले जान पाए। सो दोस्तों, हमने आपको कुछ दिनों से सलमान खान के KGF 3 के साथ जुड़ने की खबरों के बारे में बताया था। सलमान खान बॉलीवुड के डार्लिंग हैं, बॉक्स ऑफिस के राजा हैं और जनता के भाईजान। सलमान खान ने अपने 32 साल के करियर में कई हिट्स, सुपर हिट्स, ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और कई फ्लॉप्स भी दिए हैं उन्होंने, और उनके करियर में उन्होंने कई सारी साउथ की फिल्मों के रीमेक्स बनवाए हैं। जब जब भी उनके करियर में एक लो फेस आया है तब तब उन्हें साउथ की फिल्मों के रीमेक्स ने ही बचाया है, और कई सारी फ्लॉप्स के बाद वांटेड फिल्म ने उन्हें फिर से बचाया है, जो कि फिल्म पोकरी नाम की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। और अब बारी आ गई है सलमान खान की साउथ इंडस्ट्री को पे बैक करने की। सुना जा रहा है कि सलमान खान KGF 3 में विलन का कोई महत्वपूर्ण रोल करेंगे, नहीं तो यश के रॉकी का किरदार ही फिर से रिप्राइज करने वाले हैं। और ये रीमेक नहीं, KGF 3 होगी, ओरिजिनल और सीक्वल। लेकिन अगर हम सलमान खान का सीक्वल्स के साथ इतिहास देखें तो उस हिसाब से KGF 3 पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए देखते हैं। 80s में नगीना फिल्म एक गोल्डन जुबली हिट फिल्म थी, उसका एक सीक्वल बना था निगाहें, नगीना पार्ट 2। उसके बाद सीक्वल्स होना बंद हो गए। 2000 में फिर से सीक्वल का सिलसिला बॉलीवुड में शुरू हुआ, इससे पहले बॉलीवुड में कोई सीक्वल्स नहीं बनती थी। गोलमाल, हीरा फेरी कुछ पहली फिल्म्स थी जिसके सीक्वल बनाए गए और काफी मशहूर भी हुए। ये तो थी कॉमेडी फिल्म्स। फिर शुरू हुआ एक्शन थ्रिलर फिल्म्स के सेकंड पार्ट बनने का सिलसिला। अब्बास मस्तान की सुपरहिट अक्लेम फिल्म रेस में सैफ अली खान और अनिल कपूर को दिखाया गया था, जिनके किरदार रेस 2 में फिर से नजर आए। दोनों ही फिल्में जनता को बहुत पसंद आई थी और बहुत ही ज्यादा हिट साबित हुई थी। फिर 2018 में रिलीज हुई रेस 3। फिल्म की कहानी पूरी तरह बदल ली गई। फिल्म में सैफ अली खान की जगह सलमान खान को लाया गया। फिल्म के डायरेक्टर थे रेमो डिसूजा। फिल्म जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, हालांकि फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्स्ट फिल्म के बारे में सोचने से इस फिल्म का नाम आ जाता है दिमाग में। फिर सलमान खान की अपनी फिल्म दबंग ने उनके कैरियर को अच्छे दिन दिखाए थे, हालांकि जिसका वादा मोदी जी ने किया था लोगों से। फिल्म के पहले 2 पार्ट्स बड़े ही हिट थे और तीसरे पार्ट के लिए एक्साइटमेंट भी था, पर जैसे ही तीसरा पार्ट रिलीज हुआ फिल्म फ्लॉप हो गई और लोगों को पसंद भी नहीं आई। अभी टाइगर सीरीज का 3rd पार्ट भी आ रहा है और KGF 3 में सल्लू भाई भी नजर आ सकते हैं। आशा करते हैं कि रेस की तरह KGF की ब्रांड वैल्यू खराब ना हो जाए भाई के जुड़ने से। हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म में सलमान के आने के बाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।